नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ 12वीं क्लास की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट को लेकर के। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगर पिछली क्लासों की बात की जाए तो अभी तक आप लोग पिछले दो वीडियोज के अंदर आवेश के बारे में जान चुके हो, आवेश के प्रकार देख चुके हो। इसके अलावा हम लोग आवेशन की विधियाँ पढ़ चुके हैं और उसके अलावा आप लोग विद्युत दर्शी के बारे में पढ़ चुके हो। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो आवेश के गुणों की बात करने वाले हैं कि आवेश जो है उसके गुण क्या क्या होते हैं। आवेश के गुणों की बात करने से पहले मैं आपको आवेश का मात्रक बता देता हूँ, क्योंकि हमें को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आवेश को पढ़ते हुए। तो पहले मात्रक देख लो इसके और उसके बाद में अपने बात कर लेंगे आवेश के गुणों की। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था, पीछे वाले वीडियो में आप लोग जरूर देखना, उसमें मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर इन चैप्टर से एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो वो एक नंबर का प्रश्न जो है कुछ भी हो सकता है। बहुत सी बार मात्रक को लेकर के भी क्वेश्चन बना है कि सबसे छोटा आवेश का छोटा मात्रक कौन सा होता है, आवेश का बड़ा मात्रक कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक की। आप लोग छोटी क्लास में ये पढ़ चुके हो, आई इक्वल क्यू अपॉन टी, धारा की परिभाषा होती है। आवेश प्रवाह की दर को अपने क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। या से अगर अपने देखें तो आप लोग लिख सकते हो क्यू इक्वल आई इंटू टी, लिख सकते हो आप लोग इसे। तो क्यू इक्वल आई और टी, आई की अगर बात की जाए, आई विद्युत धारा है और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये टी समय है तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो आवेश की यदि मात्रक की बात की जाए तो वो क्या होता है, एम्पियर गुणा सेकंड होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम। तो आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम होता है। कुछ लोग इसे कूलाम भी बोलते हैं, कूलाम या कूलाम जो भी आप लोग बोलो। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यदि आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाए कि आवेश का मात्रक क्या होता है तो आप लोग बता सकते हो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, ठीक है। और इस कूलाम को अपने किससे लिखते हैं, इस कूलाम को अपने सी से लिखते हैं। तो आप लोग ये सीधा बता सकते हो कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे अपने सी से लिखते हैं। यदि आप इसे थोड़ा डिटेल में लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकंड, ये भी क्या है अपने पास में, आवेश का मात्रक है। इस सूत्र से अपने यहाँ ये लिखा है, पर सीधा आप लोग याद रख सकते हो कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ये मान करके चलो, ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो देखो क्या आता है, आवेश का ये जो मात्रक है ये एसआई पत्ति के अंदर मात्रक है। आवेश के यदि सीजीएस पत्ती की, जो अपने सीजीएस पत्ती होती है, सीजीएस पत्ती के मात्रक की बात की जाए तो सीजीएस पत्ती के अंदर जो इसका मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम, या अपने इसे बोलते हैं स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई, जिसे अपने लिखते हैं ई एस यू से। किससे लिखते हैं, ई एस यू से लिखते हैं, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, इकाई यूनिट होता है, स्टेट मतलब स्थिर और इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट है। तो आवेश का सीजीएस पत्ति में मात्रक स्टेट कूलाम, जिसे अपने बोलते हैं स्थिर विद्युत इकाई, और इसे अपने शॉर्ट में बोलते हैं ई एस यू। और यहां जो ये मात्रक होता है इसे अपने बोला जाता है फ्रैंकलिन। क्या बोला जाता है, फ्रैंकलिन बोला जाता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है वो क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। ये आपको याद रखना है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक है वो होता है फ्रैंकलिन। मैंने आपको
फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है एक ऋणावेश होता है। वहां मैंने बताया था कि आवेश का वर्गीकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने किया था और इसी फ्रैंकलिन के समान में आवेश के सबसे छोटी मात्रा को नाम दिया गया है जो क्या है फ्रैंकलिन है। यदि एक कूलम की बात की जाए, एक कूलम की बात की जाए तो 3×10⁻⁹ देखना प्रकाश का वेग अपने लिखते हैं 3×10⁸ और यहाँ ये कितना है 3×10⁹ है और ESU इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट यह आप लोग लिख सकते हो 3×10⁹ और फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन को लिखा जाता है एफ आर से, किसे लिखा जाता है एफ आर से लिखा जाता है। तो एक कूलम किसके इक्वल है 3×10⁹ ESU जो किसके इक्वल है 3×10⁹ फ्रैंकलिन के बराबर है। यहाँ एक बार जरूर ध्यान रखना आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक कूलम में फ्रैंकलिन कितने होते हैं, तो एक कूलम में फ्रैंकलिन की बात की जाएगी तो वो होता है 3×10⁹ फ्रैंकलिन। पर कभी कभी क्या किया जाता है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक फ्रैंकलिन के अंदर, जी हाँ एक फ्रैंकलिन के अंदर कितने कूलम होते हैं, तो ये 3×10⁹ जो है वो कहाँ चली जाएगी, इसके बाद में चली जाएगी। ध्यान रखना फ्रैंकलिन छोटा मात्रक है, ठीक है, इस कूलम की तुलना में फ्रैंकलिन क्या है छोटा मात्रक दिया हुआ है। आगे अपने बात करें आवेश के बड़े मात्रक की, तो आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है फेराडे होता है। ये आवेश का किस प्रकार का मात्रक है, ये आवेश का बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फेराडे होता है। यदि एक फेराडे की बात करें, फेराडे को अपने एफ से लिखेंगे जो 96500 कूलम के इक्वल होगा, तो एक फेराडे किसके इक्वल है 96500 कूलम के बराबर है। यहाँ फेराडे बड़ा है और कूलम क्या है छोटा है। फिर से ध्यान आपको क्या रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक कूलम में कितने फेराडे होते हैं, तो ये 96500 किस तरफ आ जाएंगे फिर इसके बाद में आ जाएंगे। यदि एक कूलम पूछा जाए तो इसे काम भेज दोगे इसके बाद में भेज दोगे, और अगर एक फेराडे पूछा जाए तो 96500 कूलम लिखते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है ये जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है ये क्या होता है फेराडे होता है। आप लोग आने वाले दिनों में जब चैप्टर 4 पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे फेराडे के बारे में, फेराडे के बारे में, तो फेराडे जो है वो अलग होता है और फेराडे जो है वो अलग होता है। तो यहाँ फेराडे की बात कर रहे हैं अपने जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो जो एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर आपको याद रखना है आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। एक फेराडे बराबर 96500 कूलम बोल सकते हो, एक कूलम बराबर 3×10⁹ फ्रैंकलिन बोल सकते हो। तो ये आवेश के मात्रक है और एग्जाम में इन्हीं के बारे में प्रश्न जो है वो बन करके आता है, ठीक है। और अगर बात करें तो विमा की बात कर लेते हैं अपने कि आवेश जो है उसकी विमा क्या होती है। यहाँ से आप लोग विमा लिख सकते हो, देखो ये एम्पियर है और ये क्या है सेकंड है, तो यदि आप लोग लिखो विमा, क्या लिखो आप लोग आवेश की विमा, तो आप लोग लिखोगे एम जीरो, द्रव्यमान कितनी बार आया है 0 बार, लंबाई कितनी बार आई है 0 बार, समय कितनी बार आया है देखो कितनी बार आया है सिर्फ एक बार आया है तो एक लिख दिया। ये देखो अपने विद्युत धारा है, धारा कितनी बार आई है एक बार आई है, यह आपने क्या कर दिया एक लिख दिया, तो टी के पावर एक लिख दिया, ए की पावर में अपने एक लिख दिया, तो ये हो गया एम जीरो एल जीरो टी वन और ए वन। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में आवेश जो है उसकी विमा है, ठीक है। ध्यान रखना यहां जो आप लोग लिख रहे हो, ये जो लिख रहे हो 11वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होगी, जैसे एक तो अपने जब भी मात्रक लिखा जाता है तो ये जो लेटर लिखते हो एम एल टी ए हमेशा कैपिटल लेटर में लिखने हैं, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसे भी लगाना है। जब आप लोग 11वीं क्लास की बुक में देखोगे तो उसमें साफ लिखा है कि मात्रक हमेशा, ये जो विमा के अंदर जो लेटर लिखते हैं ये हमेशा कैपिटल लिखते हैं और हमेशा बड़े ब्रैकेट में क्या करते हैं इसे बंद करते हैं। दूसरा आप ये भी ध्यान रखोगे कभी कभी अपने यदि शॉर्ट में इसे लिखें तो सीधा लिख देते हैं, जैसे ये लिख देता हूं टी वन और ए वन लिख दिया, पर आप सीधा ये नहीं लिख सकते एम एल टी और ए,
अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखते, जैसे आप लोग ये लिखते हो MLTA, तो ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ क्या है? एक है, जबकि ऐसा तो इसमें होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आयुष जो है ना, तो उसमें द्रव्यमान आता है ना उसमें लंबाई आती है। दूसरा, यहाँ पर क्या नहीं लगा हुआ है? ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में मात्रक और विमा से ज्यादातर टाइम आपके पूछा जाता है, या तो किसी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है या फिर मात्रक और विमा पूछ ली जाती है, तो आपको इन बातों का भी जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जब भी मात्रक और विमा के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें हटा देते हैं, जब भी एग्जाम में मात्रक और विमा के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये जितने भी डिजिट आप लोग यहां लिख रहे हो, ये सभी के सभी बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। यदि इनमें से एक भी आप लोगों ने गलत लिख दिया है, तो बाकी बचे हुए जो डिजिट है उनके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे इसे पहले ऊपर लिख देता हूं, इसकी विमा जो है, इसकी विमा आप लोग लिख सकते हो M0, L0, E1 और A1, और इसी को आपने क्या लिख दिया? इसी को आपने लिख दिया T1 और A1। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आपने इनमें से किसी भी एक डिजिट को आपने गलत लिख दिया, जैसे आपने क्या किया, इसकी जगह 2 लिख दिया, तो जैसे आपने यहाँ 2 लिखा, तो बाकी 3 सही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई नंबर जो है नहीं मिलेंगे। तो जब भी मात्रक का, विमा का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने गलती कितनी की है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की है, तो इस बात के आपके पूरे नंबर यहाँ से कट जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है, जब भी मात्रक लिखो, जब भी आप लोग विमा लिखो, तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, ये जो बड़े ब्रैकेट लगा रखे हैं ये जरूर लगाने हैं, इनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, बीच में कोमा वगैरह कुछ भी नहीं लगानी है। और यहाँ पर या तो आप इन्हें लिखो, मैं जैसे यहाँ नहीं लिखे वो भी सही है, अगर लिखो तो यहाँ 0 0, जिसकी पावर 1 है उसकी पावर 1, जिसकी 0 है वो 0 जरूर आप लोगों को लगानी है। तो ये आगे इसके मात्रक और इसकी विमा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने अपने टॉपिक शुरू होते हैं आवेश के गुणों के। अब अपने टॉपिक जो है वो आता है आवेश के गुण। अपना टॉपिक है आवेश के गुण। आवेश के गुण, या आवेश के चार गुण जो आपकी बुक में दिए गए हैं, इन चार गुणों में से जैसे संरक्षण का हो गया और क्वांटीकरण का हो गया। स्पेशल क्वांटीकरण का ज्यादातर टाइम एग्जाम में जो पूछा जाता है, तो उसे जरूर ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने लगातार बात कर लेते हैं आवेश के गुणों की। आवेश का जो फर्स्ट गुण है वो है आवेश की योग्यता का गुण। फर्स्ट जो गुण है वो क्या है? आवेश की योग्यता का गुण है। दूसरा जो है वो है आवेश की निष्ठता का गुण। तीसरा जो है वो है आवेश के संरक्षण का गुण। देखो, आवेश के गुण एग्जाम में पूछे या ना पूछे, पर इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये गुण हमेशा आपके पूरे लगातार काम में आते रहेंगे। चौथा जो आवेश का गुण मैंने आपको बताया था, वो है आवेश के क्वांटीकरण का गुण। आवेश के क्वांटीकरण का गुण, आवेश के ये चार गुण दिए हुए आपके, योग्यता का गुण, दूसरा जो है वो है मिश्रता का गुण, और तीसरा जो है वो संरक्षण का है, और चौथा जो है वो आवेश के क्वांटीकरण का गुण है। एक एक को अपने लगातार पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, नंबर तो इनके वही रहने वाले हैं, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया था कि 4 चैप्टर 7 नंबर के, एक में से जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, पीछे नंबर
एक ही बचेगा। तो एक नंबर के लिए आपको हम सबको पढ़ना है। तो वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मात्र पूछा जा सकता है किसी का, किसी की विमा पूछी जा सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है, गुणों को पूछा जा सकता है, किसी का सूत्र पूछा जा सकता है, या कोई डायग्राम पूछा जा सकता है, ग्राफ पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएएस के गुणों की। आईएएस के गुणों में सबसे पहले जो गुण आता है वो आता है योग्यता का गुण। आईएएस की योग्यता का गुण देखो अपने को क्या बताता है। आईएएस की योग्यता का जो गुण है वो अपने को बताता है कि आईएएस को अपने बीजगणितीय संख्याओं की तरह, आईएएस को अपने क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय संख्याओं की तरह जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आवेश की योग्यता का गुण बोलता है कि आवेश को बीजगणितीय संख्याओं की तरह आप लोग जोड़ सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसे घटा भी सकते हो। जैसे आपके पास में आवेश है किसी जगह, एक आपके पास में 5 कूलाम आवेश प्लस का है, आपके पास में 6 कूलाम आवेश प्लस का है, आपके पास में 4 कूलाम आवेश माइनस का है, 2 कूलाम आवेश माइनस का है। तो आपके पास में यदि पूछे, जैसे ये मैंने एक प्रश्न बना दिया कि इसके अंदर कितना आवेश है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, प्लस को एक साइड में जोड़ोगे। देखो 6 और 5 11 कूलाम, तो ये मिलकर के कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अपने पास में 11 कूलाम, या लोगो ये मिलकर के कितने हो जाते हैं माइनस के 6 कूलाम। तो प्लस के तो कितने हो गए 11 और माइनस के कितने हो गए 6। अब इन दोनों को अगर अपने घटाएं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो नेट आवेश जो है प्लस का 5 कूलाम बचता है, ठीक है। 6 कूलाम यहाँ से माइनस का हो गया और 11 कूलाम प्लस का हो गया। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, इसे घटाया, तो आपके पास में नेट आवेश जो है वो क्या बचा है, नेट का मतलब प्रणामी आवेश, प्रणामी आवेश आपके पास में कितना बचा है, 5 कूलाम बचा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये प्लस का है, ये माइनस का भी आ सकता था। जैसे यदि माइनस वाली संख्या बड़ी होती तो ये किसके आ जाते, माइनस के आ जाता, और प्लस वाली बड़ी होती तो ये किसका आ गया, प्लस का आ गया। तो अब हम ये टॉपिक अपने को बोलता है योग्यता का गुण, कि आवेश को आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो या आवेश को जोड़ करने पर आप लोग घटा भी सकते हो। दूसरा जो गुण है वो है आवेश की निस्सरता का गुण। जो निस्सरता का गुण है वो अपने को क्या बोलता है, निस्सरता का गुण अपने को ये बोलता है कि आपके पास में जो आवेश है, जैसे क्यों आपके पास में कोई एक आवेश है, ये क्यों चाहे स्थिर अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, या ये कौन सी अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आवेश जो है वो चाहे क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, गति लिख देता हूं, दोनों एक ही बात होगी, विराम और स्थिर। तो आवेश जो है वो चाहे विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, दोनों टाइम आवेश के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 कूलाम का आपके पास में कोई एक आवेश है, किसी जगह स्थिर अवस्था में आपके पास में क्या है, 5 कूलाम का एक आवेश है, और अब ये आवेश क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए, तो 5 कूलाम का जो आवेश है वो 5 कूलाम का ही रहेगा। आप उसे चाहे रोको, चाहे आप इसे गति कराओ, 5 कूलाम जो आवेश है इसके मान पर कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है। तो इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आवेश की निस्सरता का गुण, कि आवेश चाहे विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, आवेश के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप लोग एक बार जरूर ध्यान रखना कि प्रत्येक आवेशित वस्तु जो है, यानी जहां भी आवेश है तो उस जगह द्रव्यमान भी जरूर होगा, ठीक है। यदि आवेश कहीं पर है तो द्रव्यमान भी क्या होगा, वहां जरूर होगा। पर जरूरी नहीं है कि जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश हो भी सकता है और ना भी हो। जैसे आपके पास में परमाणु की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, आपके पास में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आपके पास में अलग लिख देता हूँ, ये तीनों होते हैं। यहाँ देखो द्रव्यमान भी है, आवेश भी है, द्रव्यमान भी है, आवेश भी है। यहाँ द्रव्यमान तो है, द्रव्यमान है, पर क्या यहाँ आवेश है, नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन है, उदासीन होता है। तो आवेशन जरूरी क्या है, आवेशन जरूरी है जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान जरूर होगा, परंतु जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश का होना जरूरी नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन में सिर्फ द्रव्यमान होता है, आवेश नहीं होता है। तो ये क्या है, आवेश का दूसरा गुण है निस्सरता का गुण। एक बात यहां आप जरूर देख लेना,
क्वांटिकम के गुण की बात करोगे, संरक्षण के गुण की बात करोगे, तो इनके बारे में तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। योग्यता के गुण के बारे में आपके याद रह गया, पर निश्चरता का गुण जो है, निश्चरता नाम से आप ज्यादा परिचित नहीं हो तो इसे जरूर याद रख लेना कि निश्चरता वाले का मतलब होता है कि स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में आवेश का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तीसरे गुण की बात कर लेते हैं, आवेश के संरक्षण की बात कर लेते हैं अपने, कि आवेश संरक्षण का गुण जो है वो अपने को क्या बोलता है। तो जो आवेश संरक्षण का गुण है वो देखो, आवेश संरक्षण का गुण, तीसरा जो गुण है वो है आवेश के संरक्षण का गुण। जैसे आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का गुण पढ़ा है, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का भी गुण होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। यानी आवेश को ना तो आप लोग उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप लोग आवेश को नष्ट कर सकते हो। बस आवेश को आप लोग क्या कर सकते हो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो। तो ये आवेश का कौन सा गुण है, ये आवेश का संरक्षण का गुण है। जैसे हमने किसी भी अभिक्रिया की बात करें, जैसे अभिक्रिया से पहले एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास में कोई एक क्रिया कारक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही मान लेते हैं इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और साथ में यहाँ पर बी है, इस पर छह पॉजिटिव है और छह ही क्या है, नेगेटिव है। यदि धनावेश की बात करें तो दोनों को मिलाकर के इस साइड कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। ऋणावेश की बात करें तो दोनों को मिलाकर के इस साइड कितना हो जाता है, दोनों को मिलाकर के इस साइड हो जाता है 11। तो धनावेश की अगर बात कर रहे तो 11 है और ऋणावेश भी कितना है, 11 है। इसके बाद की अगर आप लोग बात करोगे तो आप लोग देखोगे कि अभिक्रिया होने के बाद में इस साइड तो ए और दूसरी साइड इसके साथ में क्या है, बी है। यहां आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको बताया था विद्युत चालकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या विद्युत आवेश का जो चालकता का सिद्धांत या विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मैंने आपको बताया था। उस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि धनावेश और ऋणावेश बनने के अंदर सिर्फ योगदान इलेक्ट्रॉन का होता है, पॉजिटिव का कोई योगदान नहीं होता, प्रोटॉन अपनी जगह रहते हैं। तो यहाँ ये देखो 5 और 6, यहाँ फिर से 5 और 6, इसमें 5 थे, इसमें भी 5 है, इसमें 6 और इसमें भी क्या है, 6। अभिक्रिया होने के बाद में मान लेते हैं अपने यहाँ कितने आ गए, 6 आ गए, यहाँ कितने आ गए, 6 आ गए। तो सीधी सी बात है यहाँ कितने आएंगे, 5 आएंगे और फिर से क्या होगा, यहाँ 11 ही आएगा। जैसे यहाँ 11 ई पॉजिटिव है, यहाँ 11 ई पॉजिटिव है, यहाँ 11 ई नेगेटिव है, यहाँ 11 ई नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित तो हो गए, परंतु टोटल जो अपने आवेश जोड़ रहे हैं वो फिर से कितना है, टोटल आवेश जो है वो अपना फिर से 11 का 11 है। तो ये अपने आवेश का क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। कुछ एक अभिक्रियाओं के द्वारा मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करता हूं। जैसे आप लोग पढ़कर के आए हो बहुत सारी अभिक्रियाओं के बारे में, कोई एक नाभिक की अभिक्रिया ले लेते हैं, बाद में यूरेनियम 238, ये आपके पास में यूरेनियम का कोई एक नाभिक है, मान लेते हैं ये टूटता है, किसमें टूटता है, थोरियम में टूटता है 234 और प्लस कितना 2He4, ये मान लेते हैं अपने पास में कोई एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसमें यूरेनियम जो है दो तत्वों में टूट रहा है, एक थोरियम में और एक इलियम में। यहां देखो टोटल अगर चार्ज की बात की जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 92 है, तो 92 प्रोटॉन और 92 क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की तो बात करनी नहीं है, अपनी सिर्फ इसकी बात करनी है इलेक्ट्रॉन की, कितने इस साइड 92। दूसरी साइड देखो थोरियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 90, इलियम में कितनी है, 2, और दोनों मिलकर के कितने हो जाते हैं 92। इस साइड भी 92 इलेक्ट्रॉन है और इस साइड भी क्या है, 92 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश यार ना तो अपने उत्पन्न किया और ना ही आवेश को नष्ट किया, बस आवेश को अपने क्या किया है, स्थानांतरित किया है। इसके अलावा जुड़ने वालों की अगर बात की जाए, जैसे कोई एक अभिक्रिया और लिखता हूँ अपने, इसकी बात कर लेते हैं, अपने पास में नाइट्रोजन है 7N4, इसे
वन एच वन या टू एच ई फोर जोड़ देता हूँ, इसमें टू एच ई फोर जोड़ देता हूँ। जैसे ही इसमें जुड़ेगा ये नो बनेगा और नो पर एफ आता है तो ये हो गया 18। ठीक है, तो अपने पास में क्या है एन सेवन एन 14 और टू एच ई फोर और क्या बन रहा है 9F18 बन रहा है। और यदि इसे आगे आप तोड़ना चाहो तो आप ओमी तोड़ सकते हो, ऑक्सीजन में आप लोग इसे तोड़ सकते हो और ये ऐसे क्या कर सकते हो एक 1H1 बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो अपने बात कर रहे हैं आवेश संरक्षण की, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, इसमें कितने हैं 2 है और दोनों मिलकर के कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर एफ में बात की जाए तो कितने हैं 9 है, या ऑक्सीजन 8 है और इसमें 1 है, दोनों मिलकर के कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया के प्रत्येक पद पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ 9 है, यहाँ भी कितने हैं 9 है और एफ वाले में भी कितने हैं 9 है। इस प्रकार अपने आवेश संरक्षण के गुण को लिख सकते हैं कि अपने चाहे ये अभिक्रिया हो टूटने वाली हो चाहे जुड़ने वाली हो फिर से टूटने वाली हो, सभी में क्या हो रहा है आवेश जो है उसका मान नियत रह रहा है। इसके बाद में आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर अब नवीक वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर बहुत सारी अभिक्रियाँ आ जाएगी, कोई भी एक अभिक्रिया आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो जिसके अंदर आप लोग दर्शा सकते हो कि एक साइड जितने इलेक्ट्रॉन है दूसरी साइड जोड़ने पर भी इलेक्ट्रॉन उतने के उतने ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ अपने ना तो आवेश को उत्पन्न कर रहे हैं और ना ही अपने आवेश को नष्ट कर रहे हैं, बस अपने आवेश को क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। लास्ट अपने पास में बचता है इसके अंदर आवेश के क्वांटीकरण का गुण। देखो आवेश के क्वांटीकरण के गुण में क्या होता है, आवेश के क्वांटीकरण का गुण सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है आवेश के क्वांटीकरण का गुण। आवेश के क्वांटीकरण का गुण अपने को ये बोलता है कि आवेश का जो विनिमय है, आवेश का जो विनिमय है, विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है एक को देना दूसरे से लेना, तो आवेश का विनिमय जो है वो सतत रूप में न होकर के क्या होता है विविक्त रूप में होता है। आवेश का विनिमय जो है वो सतत रूप में न होकर के किस रूप में होता है विविक्त रूप में होता है, और जिस न्यूनतम मान का अपने विनिमय कर सकते हैं, जिस न्यूनतम मान का विनिमय कर सकते हैं या जिस न्यूनतम मान का विनिमय होता है उसे अपने बोलते हैं आवेश का क्वांटा। क्या बोलते हैं आवेश का क्वांटा बोलते हैं। आई बात समझ में, अपने ये नियम क्या बोलता है कि आवेश का विनिमय सतत रूप से न होकर के किस रूप में होता है विविक्त रूप में होता है, और जिस छोटे से छोटे मान का विनिमय होता है उसे अपने क्या बोलते हैं आवेश का क्वांटा बोलते हैं। इसकी यदि बात की जाए तो मिलिकन तेल बूंद जो प्रयोग है उस मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से इसकी क्या की जाती है प्रायोगिक पुष्टि की जाती है। इसकी पुष्टि जो है वो किससे करते हैं अपने जो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है उसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं इसकी प्रायोगिक पुष्टि कर सकते हैं। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की पुष्टि किस प्रयोग के द्वारा की जाती है, तो मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग के द्वारा की जा सकती है। देखो मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग है उसके अंदर उसने बताया था कि आवेश हमेशा एक निश्चित मान का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। आवेश जो है वो हमेशा एक निश्चित मान का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। आप लोग इसके अंदर आवेश के क्वांटीकरण के अंदर दो बातें लिखोगे, एक तो ये कि आवेश का विनिमय जो सतत रूप में न होकर के विविक्त रूप में होता है, जिस न्यूनतम मान का विनिमय होता है उसे अपने क्या बोलते हैं आवेश का क्वांटा बोलते हैं, और दूसरा आप लोग ये बताओगे कि आवेश जो है वो एक निश्चित मान का हमेशा क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। ये एक निश्चित मान है इसका हमेशा ये क्या होगा पूर्ण गुणज होगा, और जिस छोटे से छोटे न्यूनतम मान की अपने बात कर रहे हैं जो आवेश का क्वांटा है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन जो है उसके आवेश के बराबर होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो इसका क्या किया जा सकता है इसमें विनिमय किया जा सकता है। ठीक है, तो आवेश
के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप लोग क्या क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे कि आवेश कणों में सतत रूप से न्याय होकर के विविक्त रूप में होता है, दूसरा जिस न्यूनतम मान का विनिमय होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटा बोलते हैं, और तीसरा आप लोग इसके अंदर क्या बताओगे कि आवेश का मान हमेशा निश्चित मान का पूर्ण गुणज होता है, क्यू इक्वल प्लस माइनस एन ई, और ये जो न्यूनतम मान है ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। तो ये अपने क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट जो है वो